फाइनली पूरा बेड का सेटअप रेडी हो चुका है। करीब 35 से 40 लीटर हमारे पास एनी टाइम पीने के पानी का स्टोरेज रहता है। पहली बार हमारे अजमेर साइड में इतना कोहरा देखा है दोस्तों, यार पहली बार। ओहो भाई ये देखो, अरे आप देखो तो सही क्या क्या है। भूख लगी तो दोस्तों इधर हमारी पंगत करने के लिए तैयार है भैया। मतलब ट्रिप के पहले दिन ही मजा आ गया भाई, जबरदस्त वाला। तो इधर सुबह सुबह भरत मिलाओ चालू हो गया भाई दादी के। चेरी इतना प्यार है तो बेटा यहीं पे रुक जाओ आज। इससे पता पड़ गया कि तू कितना प्यार करता है। चलो मम्मी अब जाकर आते हैं ना। ठीक है, अच्छी तरह जाना ना। हाँ। और फोन करते रहना। हाँ बिल्कुल। पापा आप ध्यान रखना तबियत का, और कॉल कर लूंगा मैं पहुँच के ना। फोन करते रहना ना। ठीक है, तो यहाँ पे खड़ी है जी हमारी लाडो सवारी के लिए रेडी। ऊपर हमारा रूफटॉप टेंट रेडी है। एक बार आपको पूरा अरेंजमेंट दिखा देता हूँ। अरेंजमेंट तो क्या है भाई, आज चिक्की ने सारा मैसअप कर दिया है। एंड तक सामान लाया जा रही है, लाया जा रही है। तो गाइस देखिए फाइनली पूरा बेड का सेटअप रेडी हो चुका है। ऑलमोस्ट सभी सामान इसमें आ चुके हैं। अब चार जो हमारे मेन बैग्स है ना वो यहाँ पर लाइन से लगा के आपको फाइनल में एक बार दिखा दूंगा। ये देखिए नीचे की तरफ हमारी ये बास्केट वगैरह आ गई है, कैंपिंग चेयर्स आ गई है, ब्यूटेन का एक छोटा चूल्हा जो हम रखते हैं वो इधर की तरफ आ गया है, और ये सबके एक्स्ट्रा शूज आ गए। देखिए कितना सामान आ चुका है, और आपको अभी भी गाड़ी ऐसी लगेगी एकदम खाली खाली है। दोस्तों देखिए अगर वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो हमने किसी भी तरह का कोई परमानेंट मतलब गाड़ी के अंदर टैंक नहीं लगा रखा। एक ही 15 लीटर का कैंपर रखते हैं। इसके पीछे है देखो बिस्लेरी का 10 लीटर वाला कैन, जो मतलब बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगा। 5-5 लीटर के दो ये है, और ये देखिए हर गेट में आपको 1-1 लीटर वाली जो बिस्लेरी की मतलब जो खाली बोतल है ना, हम फेंकते नहीं है, इसके अंदर 1-1 लीटर पानी आ जाता है। तो करीब 35 से 40 लीटर हमारे पास एनी टाइम पीने के पानी का स्टोरेज रहता है। हाँ भाई घुमक्कड़ बक्स रेडी धमाल के लिए। शिवाय के दोस्तों एक सब्सक्राइबर ने पता नहीं किसने मैसेज करा कि भाई इसका स्वेटर टाटा नमक की थैली की तरह लग रहा है। तब से मुझे इतनी हंसी आती है, जबकि मैं बहुत शौक से लाया था इसके लिए स्वेटर। है शिवाय टाटा नमक बन गए क्या आप? और इधर कौन है भाई? तो दोनों बच्चे हमारे पीछे सेट हो चुके हैं। आराम से बैठो बेटा, अब सो जाना ना। तो दोस्तों आज सामान मतलब इस बार सामान बहुत ज्यादा है। मेन तो हमारे गर्म कपड़े और बिस्तर वगैरह है। तो शिवाय रेडी रेडी चेरी रेडी। हाँ चलो आ जाऊंगा टाइम से ना। हाँ जी रेडी रेडी। चलो बैठो फिर, किसका वेट है। चलिए दोस्तों आज की सुबह की और आज की शुभ यात्रा की स्टार्टिंग करते हैं माता रानी के नाम से। बोलो श्री मनसा माता की जय। और अब से सभी वीडियो आपको हमारे न्यू फोन आईफोन 15 प्रो मैक्स से देखने को मिलेंगे। भाई बताना क्वालिटी में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। तो चलिए अब आगे मिलते हैं आपसे हाईवे के ऊपर। सुबह की बज रही है दोस्तों 7 और थोड़ा थोड़ा सा कोहरा है, मतलब अभी तक पूरी तरह से सूरज उगा नहीं है। तो देखते हैं, बस मेन टेंशन हाईवे की है। हाईवे पर हमें घना कोहरा नहीं मिलना चाहिए भाई, नहीं तो सारा स्पीड सब गया भाड़ में। यहाँ से करीब 800 किलोमीटर के आसपास है। आज की हमारी डेस्टिनेशन है जी मंडी। जी हाँ मंडी हमें किसी भी हालत में आज पहुंचना ही पहुंचना है। विजिबिलिटी है 300-400 मीटर तो है, तो ठीक है स्टैंडर्ड स्पीड मेंटेन करते हुए चलते हैं। रोड तो अभी खाली है, सुबह सुबह के हिसाब से इतना ज्यादा रश नहीं है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, बिल्कुल होगी जी, माता रानी का आशीर्वाद है। दोस्तों अभी हम क्रॉस कर रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़, और साइड में अगर आपको दिख रहा हो तो भाई सूर्य देवता उदय हो चुके हैं। उदय बोले तो मतलब 7:30 बज चुके हैं अभी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, एकदम लाल लाल है, कोहरे के अंदर छुपे हुए हैं। मतलब मौसम ऐसा लग रहा है ना कि अभी सुबह के 5:30 ही बजे, लेकिन 7:30 बज चुके हैं भाई, धूप नहीं निकली अभी तक देखो आप। तो यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर फैमिली के सदस्य मिल गए। भैया कहाँ से? अजमेर से। अजमेर से, हमारे लोकल अजमेर की नगरी से। क्या नाम आपका? डॉक्टर अर्जुन प्रधान। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है जी आप। मैं डॉक्टर सिंह। अच्छा आप भी डॉक्टर है, क्या बात है। और बेटा आपका नाम? शौर्य प्रधान। शौर्य प्रधान, वेरी गुड वेरी। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वाराणसी। वाराणसी, चलो शिव की नगरी में जा रहे हो। थैंक यू जी, थैंक यू। तो चीजें हमने आपके हिसाब से अपडेट करी। आपने भी शायद बेड बना रखा है पीछे गाड़ी में ना। चलिए बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि लोग इंस्पायर होकर ट्रेवल करने निकले। बिल्कुल दोस्तों सच में बहुत अच्छा लगता है यार, कोई हमारी सब्सक्राइबर फैमिली से आप लोगों में से कोई ऐसे मिलता और इतना प्यार दिखाता है ना, और सबसे ज्यादा तो हमारी मेहनत वहाँ पर सफल हो जाती है। वो ऐसा बोलते हैं ना यार, आपसे इंस्पायर होकर हम लोग निकले या ऐसा कुछ करा है भाई, सच में यहाँ पर हमारा सफल हो जाता है। आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, ऐसा ही प्यार बना रहे भाई, और बहुत आगे तक जाएंगे। चलिए आगे का सफर ऐसा कुछ दिखाने लायक है नहीं, कुछ हुआ तो जरूर दिखाऊंगा। बहुत ही कोहरा कोहरा है भाई, तो बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं। आई थिंक रात की 9 या 10 बजे तक हम मंडी पहुंच जाना चाहिए। करीब 750-800 किलोमीटर है भाई अभी, और अभी तक हम हमारे घर से आए करीब 40-45 किलोमीटर मैक्सिमम। गाइस कोहरा देखिए यार, गजब कोहरा, इसे कह सकते हैं कि हाँ 10-20 मीटर की मतलब जीरो विजिबिलिटी के आसपास ही है भाई।
अभी केवल 30 की स्पीड पर हमारी गाड़ी चल रही है, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है दोस्तों, बिल्कुल जीरो, अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है सच में यार। ओ हो, क्या हो गया यार? ट्रक खड़ा है क्या? ये देखो बिल्कुल टैक्सी वाला तो देखो जूम करके ले जा रहे हैं, गाड़ियों के पीछे लगा लेते हैं। ओ भाई इतना कोहरा क्या है यार ये चिक्की? इस साइड तो पंजाब में तो हरियाणा में तो फिर भी होता है, हमने देखा पहली बार हमारे अजमेर साइड में इतना कोहरा देखा है दोस्तों यार, पहली बार। ये तो यार भाई रिस्क वाली चीज है, कोई ढाबा वाबा देख के लगा लेते हैं साइड में। भैया दोस्तों मैंने मेरी लाइफ में ऐसा कोहरा नहीं देखा हमारे अजमेर साइड में, मतलब 30-40 किलोमीटर में इतना गहरा कोहरा है। हरियाणा नरनौल साइड में जो कोहरा मिलता था ना वो अभी यहाँ पर मिला है। 20-30 की स्पीड में चला रहा हूँ मैं गाड़ी, पता नहीं वो नरनौल हमारा जो फेवरेट हाईवे है वहाँ पर कैसा क्या हाल मिलेगा। हालांकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आई थिंक धूप आ जाएगी तेज, करीब 11-12 बजे तक पहुँचेंगे हम लोग वहाँ पर। भूख लग रही है? भूख लग गई, सुबह 4 बजे के उठे हुए। अच्छा सुन रहे हो दोस्तों, चिक्की जी को भूख लगी है, कुछ बना के लाए हो? अरे आप देखो तो सही क्या क्या है, ब्रेकफास्ट है, मस्त सा लंच है आपके लिए, बस रोको आप गाड़ी और खाते हैं यार, भूख लग गई है। चलो चलो जी, अब तो मेरे भी पेट में चूहे कूदने लग गए। और भैया इधर कौन उठ गया? इस्माइली इस्माइली दोनों बच्चे, नीनी आई, चलो नाश्ता करते। ओके शिवाय भूख लगी? भाई चिक्की जी के राज में चकाचक खाएंगे, चकाचक खिलाएंगे आप लोगों को भी। तो अभी स्पेशल बोल रही है, कुछ स्पेशल नाश्ता बना के लाइए, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आज क्या बना के लाइए वो, वैसे हमेशा अच्छा ही बनाती है यार। तो नाश्ता करते उसके बाद आगे निकलते हैं। तो दोस्तों इधर हमारी पंगत लगने के लिए तैयार है भैया, अच्छा खबर ले आई थी क्या? देखो कितने उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं सब, है ना? अब तो भूख लगी यार, आज तो बच्चे भी दोस्तों मतलब ये बता रहा हूँ मैं आपको, 5 बजे उठ गए थे चिक्की। हाँ, बच्चे 5 बजे उठ गए। चले जी खजाना खोलिए, कुछ अच्छा अच्छा खुशबू आ रही है भैया इधर तो। ये क्या है, ब्रेड? हाँ, सैंडविच है। अच्छा सैंडविच है, और देखो क्या स्माइल आई है चेहरों पे। हाँ भाई दोस्तों वैसे हम लोग ये डिस्पोजल वगैरह यूज नहीं करते, लेकिन 4-5 पीस चिक्की अभी रस्ते के हिसाब से लेकर आ गई थी, कोई भी होटल वोटल का डस्टबिन वगैरह दिखेगा उसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि अभी यार फिर बर्तन वर्तन धोने की व्यवस्था नहीं हो, टाइम वेस्ट होता है इसमें बहुत ज्यादा। अरे भाई भाई तूने मेरे मन की बात छीन ली है ना दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था एक थैला आया था बीच में किशनगढ़ के आसपास की चिक्की खाते हैं, तो चिक्की ने बोला भाई इच्छा नहीं है मेरी, है ना? अब मुझे पता चला तेरी इच्छा किस लिए नहीं थी। और शिवा ने तो उद्घाटन भी कर दिया कुरकुरे से, ये जो इसके छोटे छोटे बूंदी टाइप होते हैं ना ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, मिर्ची होती नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वेज सैंडविच हो गया है और यहाँ पर मिर्ची बड़ा खोपता, भैया फुल पार्टी होने वाली है आज तो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वेज सैंडविच हो गया है और यहाँ पर मिर्ची बड़ा खोपता, भैया फुल पार्टी होने वाली है आज तो। तीनों वहां बैठे खा रहे हो, मेरे को नहीं पूछ रहे कोई भी। हाँ थोड़ा थोड़ा डाल ले, जो भी बना के लाइए ना एकदम, मतलब वेट नहीं हो रहा दोस्तों, इतनी मस्त सर्दी है और उसके अंदर अभी तक गर्म है, तो गर्मा गर्म भैया घर का बना हुआ नाश्ता मिल जाता ना तो कहना ही क्या, मतलब ट्रिप के पहले दिन ही मजा आ गया भाई जबरदस्त वाला। चलिए जी अब उद्घाटन करते हैं हम भी, चलिए भाई शुरुआत करते हैं सैंडविच से। चिक्की जी आनंद आ गया? चेरी कैसा लगा? शिवा अच्छा लगा? चलिए जी अब नंबर लेते हैं कोफ्ते का, यहाँ पे तुम्हारे इंदौर में आलू बड़ा बोलते हैं ना कोफ्ते को, दोस्तों आपके उधर कोफ्ते को क्या बोलते हैं जरूर बताना, तब तक हम लेते हैं गर्मा गर्म कोफ्ते का आनंद। तो देखिए दोस्तों हमारा कचरा सारा हम एक थैली में इकट्ठा कर रहे हैं, और आगे कहीं पर भी रुकेंगे शाम के टाइम चाय वाय पीने, तो दिन भर का कचरा वहाँ पे डस्टबिन में डालेंगे, तो आप लोग भी कहीं पर भी रुके तो भाई अपना कचरा अपने साथ लेकर जाएं, कचरा ना फैलाएं, ठीक है? इसको रख देता हूँ मैं इधर, चलिए अब आगे चलते हैं। ऑल सेट दोस्तों, चलिए चलते हैं, अभी बहुत लंबा सफर करना है भाई, अभी केवल हम हमारे अजमेर से 100 किलोमीटर आए, उसमें भूख लग गई है देख लो, सुबह जल्दी उठे हुए थे। तो पूरे ट्रिप में आपको बहुत ही टेस्टी टेस्टी अलग अलग खाना व्यंजन खिलाएंगे और पहाड़ों की वादियों के मजे कराएंगे भाई घर बैठे। उम्मीद है अब आगे हमें कोहरा नहीं मिलेगा, कोहरे के कारण हम ऑलरेडी आधा पौन घंटा लेट हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ही धीरे स्पीड में गाड़ी चलानी पड़ रही थी भाई। दोस्तों आप लोगों से कब से एक मन की बात शेयर करने का सोच रहा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिला इतने टाइम से। मैंने इन दिनों मतलब मैं 1.5 महीना जब फ्री था ना, मैं सबके वीडियोस देख रहा था, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा यहाँ पर, लेकिन मतलब बहुत से लोगों ने ना इन सब चीजों को एक प्रतिस्पर्धा का रूप दे दिया भाई, कॉम्पिटिशन, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। सभी लोग अपने आप में एक स्पेशल होते थे कि सभी अपनी खुशी के लिए घूमते हैं, अपनी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, और हर लोगों का एक नीच अलग होता है, लेकिन मेरी उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है भाई, ऐसा कंपटीशन वाला मत दो किसी को भी कि हम ऐसे हैं वो ऐसे हैं। देखिए सब स्पेशल है, लोगों को जो पसंद होंगे ना उनको अपने आप व्यूज आएंगे, सब कुछ आएंगे,
तो बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, जैसा कि हमारे विवेक सर ने बोला था, जो ओवरलैंडर कम्युनिटी है भी बहुत तेजी से ग्रो अप हो रही है इंडिया में और बहुत ही छोटे लेवल पर है अभी, और उसमें भी ऐसा कंपटीशन वाला माहौल करोगे ना तो बहुत जल्दी नीचे भी आ जाएगी कम्युनिटी। तो अच्छा कंटेंट बनाने पे ध्यान दो आप लोग, और एक पॉजिटिविटी फैलाओ, एक अच्छा संदेश दो। ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा अपने वीडियोस में नेगेटिव ही बातें कर रहे हो या आप लोग ही बेस्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तो मेरी यही निवेदन है सभी भाई लोगों से, ऐसा नहीं कि केवल एक या दो को हम टारगेट कर रहे हैं, सभी लोगों से यही निवेदन है, आप केवल अच्छा कंटेंट बनाइए, पॉजिटिविटी दिखाइए, ताकि और लोग भी मोटिवेट होकर हमारी ओवरलैंडर कम्युनिटी को ज्वाइन करें और इसी तरह ये कारवो बढ़ता रहे। फाइनली दोस्तों 3 घंटे के बाद हम जयपुर पहुंचे, हमेशा 1.5-2 घंटे में पहुंच जाते हैं, मतलब 2 घंटे तो सुबह सुबह लगता ही है, लेकिन आज 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा कोहरे के कारण, और 15-20 मिनट तक हम नाश्ता पानी करने रुक गए थे जो कि जरूरी था। और यहाँ से हम ले लेंगे जी बाहर वाली गली जयपुर का रिंग रोड पर, अंदर सिटी में जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी बज चुके हैं जी सुबह के 10, चलिए जयपुर को कहते हैं बाय बाय और आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। शिवाय बाय बाय कर रहा है भैया, शिवाय बोल रहा है सबको चश्मा लगा लो, चश्मा गर्मी लग रही है उसको, गर्मी लगी है, अच्छा जैकेट भी उतार दी शिवाय ने। फाइनली दोस्तों अब जाके कोहरा एकदम मिट चुका है, और कोहरे के साथ ही इतनी तेज धूप निकली है ना भाई, चैटने लग गई, लिटरली चैट रही है धूप, अब सहन ही नहीं हो रही, मतलब इतनी तेज सर्दी थी, आधे से पौन घंटे के अंदर बिल्कुल मौसम परिवर्तन हो गया। तो गाइस फाइनली रिंग रोड खत्म हो चुका है, और ये सामने जो आपको हाईवे दिख रहा है ये है मेन जयपुर दिल्ली हाईवे, नेशनल हाईवे, और ये आ गए जी हम दिल्ली हाईवे पर। लेकिन दिल्ली नहीं जाना भाई, हमें बाहर के बाहर निकलेंगे, कोटपुतली से जो एक रास्ता नया हाईवे बनाया ना दंडोल वाला, उस हाईवे को पकड़ेंगे, अगर आप लोग नए हैं तो आपको पता होगा। अब ये क्या हो गया भाई, वापस जाम है क्या? जाम के नाम से डर लगता है दोस्तों मेरे को बहुत ज्यादा, गाड़ियां तो काफी रुक रखी है दोस्तों, सारी स्पीड की बैंड बच जाती है जाम आते ही, आगे शायद फ्लाईओवर का काम चल रहा है या कुछ ऐसा ही होगा, करीब 1/2 किलोमीटर लंबा जाम है और काफी गाड़ियां मतलब बहुत स्लो चल रहे हैं, 15-20 मिनट तो हो चुके हैं और मुझे लगता है 15-20 मिनट और लग जाएंगे इसे क्रॉस करने करने। दोस्तों आज तो समझ में ही नहीं आ रहा यार, ये वापस जाम है, कोटपुतली अभी हमने क्रॉस किया है और मेन वाला हाईवे है ना रनोल हाईवे, यहाँ से करीब करीब है 8-10 किलोमीटर, ये जाम सारी स्पीड की बैंड बजवा रहा है हमारा। जिस दिन आपको ऐसा लगता है ना कि आज तो गाड़ी खींचनी है जल्दी करना, उस दिन पोस्ट कर लेट होता है, करीब हम हमारे मेन टाइम से 1.5-2 घंटा लेट चल रहे हैं अभी, और शिवाय को नींद आ गई है, इसको भी आगे साइड में करके सुला देना चिक्की, और तू भी सोचा थोड़ी देर, सुबह जल्दी उठी हुई है लड़की। इंतजार की घड़िया समाप्त हुई और सामने दिख गया जी हमारा फेवरेट हाईवे नरनोल हाईवे भाई, मतलब यहाँ तक पहुँचना ही आज तो भारी हो गया। तो यहाँ से हम प्यार से सरक जाते हैं जी लेफ्ट, और फिर सीधा 270 किलोमीटर का हाईवे है, सीधा निकलेगा दोस्तों ये अम्बाला, अम्बाला के बार बार होते हुए हम पकड़ लेंगे नेक्स्ट हाईवे। नारनोल है जी 40 किलोमीटर, भिवानी 130, रोहतक 163, चंडीगढ़ 383। चले जी लेके माता रानी का नाम, अब खेचते हैं भाई स्पीड, सच में रोड तो असली यही है, इतनी तेज स्पीड पर देखो सामने गाड़ी के अंदर से, ओहो भाई ये देखो स्पीड, देखो अब स्पीड बहुत खतरे वाली चीज है भाई, ऐसे मत किया करो यार, क्या रोड है यार, क्या रोड है, ऐसा लग रहा है दोस्तों आज तो हमारे लिए भी एकदम VIP खाली कराया गया है। हालांकि मैं अभी 120 की स्पीड पर हूँ जो कि यहाँ के हिसाब से नॉर्मल स्पीड है, और मतलब मजा आ रहा है कुल मिला के गाड़ी चलाने में, वरना पजल हो गया था भाई आज तो मैं, मतलब अजमेर से यहाँ तक गाड़ी चलाने में 200-250 किलोमीटर में ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैंने 500 किलोमीटर गाड़ी चला दी है। और इधर वापस चालू हो चुकी है चिक्की जी, महका दिया यार इसने तो पूरा गाड़ी को, है ना, और देखिए जी रोड देखिए आप सामने, अच्छा शिवाय को भी खाना है, आपको भी खाना है, आप तो बोल रहे हो एप्पल खाओगे, सब चुन्नू मुन्नू उठ चुके हैं हमारे, ये देखो कैसे मार रहे हैं यार गायों को, क्यों मार रहे इतना तेज, ये देखो हाईवे के ऊपर गाय लेकर आ गए सबके सब, भगा और रहे उनको, इतनी रिस्क वाली चीज है यार एक्सप्रेस वे पे गाय लेकर आ रहे हैं, देख रहे हो। और ये आ गया जी इस हाईवे का सबसे पहला टोल प्लाजा, आई थिंक 350 रुपए का कटता दोस्तों यहाँ से, या यहाँ पर ओनली एंट्री है, आगे की तरफ 350 का, मतलब 500 या 550 रुपए मेरे ख्याल से टोटल इसमें टोल लगता है। दोस्तों बहुत भारी मिस्टेक हो गई यार, मैंने क्या है नेविगेशन को साइलेंट पे कर दिया था, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो बीच बीच में वो बोलती है इधर लो उधर लो, और कम से कम 25 किलोमीटर से हम क्रॉस करके आ रहे हैं वापस, और बिल्कुल आगे निकल के जो कट आता है ना अम्बाला के लिए वो ध्यान में ही नहीं रहा, पहली बार मतलब इतनी बार हम निकल चुके हैं लेकिन पहली बार गलती हुई है हमसे यहाँ पर। फाइनली 25 किलोमीटर के राउंड के बाद भाई वापस वो वाला अम्बाला वाला हाईवे मिला हमें, बड़ी भारी मिस्टेक हो गई आज तो, आधा पौन घंटा खराब भी हो गया और डीजल फालतू का जला जो अलग। तो फाइनली हमने मेन हाईवे पकड़ लिया है जी, 217 या 27 किलोमीटर का ये सिंगल हाईवे है,
यहाँ पर कहीं नहीं रुकना, आप सीधा नॉन स्टॉप खींचना है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों इस हाईवे का सब कुछ बढ़िया है भाई, मतलब 300 किलोमीटर तक आपको कोई रुकने की जरूरत ही नहीं है, डीजल वीजल सब एकदम टॉप अप करा के जाना। लेकिन एक चीज जो मेरे साथ होती है ना, हो सकता है आप लोगों के साथ भी होती है, बताना कमेंट बॉक्स में, नींद आने लग जाती है यार दिन के टाइम ही। मतलब जो हाईवे हिप्नोटिस होता है ना, जो ऐसा कुछ बोलते हैं इसको वर्ड, मतलब बिल्कुल, क्योंकि कुछ भी नहीं है, कोई ढाबा नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई दुकान नहीं आएगी बीच के अंदर, चलाते ही जाओ चलाते ही जाओ, या तो आप मतलब बातें करते जाओ अपने साथी से जो कि अभी सो रहे हैं, और बाकी बच्चे अच्छे हैं तो ठीक है, ध्यान इधर उधर बटा लेता हूँ मैं, बाकी नींद आने लग जाती है भाई दिन के टाइम ही ऐसा हाईवे पर। कहाँ से भैया आप लोग? पटियाला से। क्या नाम आप लोगों का? मेरा नाम कमलजीत है, ये बठिंडा से हैं। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, थैंक यू, वेलकम जी। बाय। वो पता नहीं वो कब से वो मतलब होंडा सिटी थी भाई लोगों के पास, और वो भी फास्ट चला रहे थे, मैंने सोचा यार वो ओवरटेक करने के लिए साइड मांग रहे हैं। ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों मेरे साथ, चिक्की तो सो रही थी, फिर उन्होंने इंडिकेटर दिया आगे रुक के, मैंने बोला कि नहीं यार ये अपने कोई फैमिली के सदस्य है, सब्सक्राइबर फैमिली के सदस्य है, और बहुत अच्छा लगता है। क्यों? सच में बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर। गाइस वैसे तो 150 किलोमीटर का डीजल बचा है अभी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार भरा लेना चाहिए, हरियाणा चल रहा है शायद अभी, और यहाँ पे थोड़ा बहुत सस्ता भी है। हालांकि मैंने सुना है, मतलब सुना तो क्या है, लास्ट टाइम भी देखा था ना हिमाचल में ज्यादा सस्ता है, लेकिन भाई ऐसी रिस्क नहीं लेनी है। तो यहाँ पे हर 10-15 किलोमीटर पे ऐसे रेस्ट हाउस बन रखे हैं, हम रात के टाइम भी कभी निकलते ना इधर से, तो यहाँ पे सो जाते हैं भाई, रुक जाते हैं। चलिए जी, करीब 10 से 15 मिनट का यहाँ पर ब्रेक हो गया है, थोड़ी हमने भी कमर अमर सीधी कर दी, गाड़ी को भी रेस्ट मिल गया। हर 100 से 150 किलोमीटर पर दोस्तों 5 से 10 मिनट का एक ब्रेक लेना चाहिए, गाड़ी के लिए भी अच्छा रहेगा और आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे का खींचते हैं। मतलब लोग बोले चलाते ही जा रहा है, चलाते ही जा रहा है, चलाते ही जा रहे हैं। मेरे घर वाले परेशान है मुझसे। हाँ चिक्की जी, अब क्या खिला रहे हो? गजक खा लो। गजक, क्या बात है, सर्दी का जुगाड़। इस बार फुल हेल्दी चीजें पैक करा कर आए दोस्तों, पहली बार ऐसा है जो एक भी बिस्किट का पैकेट और चिप्स, मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूँ पर बहुत कम से कम यूज करेंगे, खरीदा ही नहीं इस बार हमने। सामने आसमान का कलर देखिए, इतना सुहावना लग रहा है ना, मतलब अभी आपको जो दिख रहा है ना ये ओरिजिनल कलर है, कोई इसमें मैंने एडिट नहीं किया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब बहुत ही सुकून मिल रहा है देखने में। ये रोक क्यों रखा है यार यहाँ पे? उनका कुछ है। हाँ जी बिल्कुल, क्या बोला उन्होंने? लंगर पाके जाओ है। बस बहुत है, बहुत है, इतना नहीं खा पाएंगे, बस मैं साइड में ले लेता हूँ। नहीं जी बस बहुत है, धन्यवाद। हाँ जी, इतना प्यार से खिलाते हैं ना सब ये। इसमें मतलब कोई तेल मसाला नहीं होता चिक्की, लेकिन जो टेस्ट आता है ना। तो चलो जी, आज का खाना तो हमारा हो गया, वो तू जो बना के लाई ना भैया, वो डिनर ही होगा वो। दोस्तों मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर आपने आज तक लंगर का खाना नहीं खाया ना, जरूर ट्राई करना, सारे ढाबे होटलों को भूल जाओगे आप, इतना सिंपल खाना लेकिन इसमें जो प्यार भरा हुआ है ना इन लोगों का, बहुत टेस्टी रहता है अल्टीमेट। मतलब मैं तो कभी भी मिस नहीं करता भाई, कभी भी मिस नहीं करता गुरुद्वारे का, अगर लंगर का खाना खाने को मिलता है ना। चलिए जी, आनंद आ गया एकदम प्रसाद पाके, और आराम से खाया, मतलब उन्होंने जबरदस्ती, मतलब एक एक प्लेट के अलावा भी इतना दे दिया कि नहीं खाना पड़ेगा खाना पड़ेगा। तो फाइनली मेन एक्सप्रेस वे को छोड़ के हम लोग, एक ये लिंक रोड है, इससे भी काफी टाइम बाहर निकल चुके, 1 किलोमीटर का आता है दोस्तों, रात के टाइम थोड़ा हॉरिबल लगता है बस। ये हमें मेन जो मनाली वाला हाईवे है ना, लुधियाना भी आता है आगे चल के, उधर की तरफ कर देगा। इसका एक डर है, एक अंडरपास आता है दोस्तों, ऊपर रूफटॉप टेंट नहीं हट जाए हमारा, वरना बहुत लंबा राउंड काटना पड़ेगा हमें। ये वाला अंडरपास है दोस्तों, और मुझे डाउट है 100% अड़ेगा इस पे। माता रानी का नाम लेके चलते अंदर। हाइट बेटा अपने भी इतनी कम नहीं है वैसे तो, ऐसा बढ़ेगा तो नहीं ऊपर, डर तो लगता है यार अंडरपास में। सनसेट का टाइम हो रहा है दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत वाइब आ रही है भाई, देखो आप भी, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मिले जुले कलर है आसमान में, और आगे जाके शायद ये यू टर्न का बता रही है, पता नहीं यार कहाँ लेकर जाएगी ये। दोस्तों यार अब जाके थोड़ी हिम्मत जवाब देने लग गई, बैटरी लो हो गई है, करीब 550 किलोमीटर के आसपास मैं आ चुका हूँ गाड़ी चला के, और अब थोड़ी सी थकान लग रही है यार, पता नहीं क्यों। अब मतलब मेन रास्ता तो अब बाकी है, ये सिंगल लेन है कोई 40 किलोमीटर का, चंडीगढ़ के बाहर बाहर है बाईपास, और ये निकलेगा आगे रूपनगर साइड में। मतलब कभी भी एक बार मैं नहीं बोलो कि इतने सामान लाने के बाद भी ये रह गया वो रह गया, फटाफट देखो लेट हो रहे हैं, अब क्या बाकी रह गया था यार। चिक्की इतनी सब्जियां भर के लाई है यार, बैंगन देख ले, बैंगन बढ़िया है यहाँ पे भाई। सबसे पहले तो मैं मेरा फेवरेट चीज लूंगा बैंगन,
एक चिक्की, ये बढ़िया है। एक बहुत है क्या? बहुत है ये तो। ठीक है तो एक ही रख साइड में, और क्या चीज चाहिए बता। गाइस मेरे सामने देखो मर्सिडीज की कितनी पुरानी गाड़ी, एंटीक गाड़ी चल रही है, दिल्ली नंबर की। पुरानी मूवीज की याद आ गई इसको देख के, मतलब प्रेम चोपड़ा वगैरह लेके भागते थे ना एकदम। गाइस अभी बचे हैं शाम के 6:30, जी हाँ रात नहीं हुई है लेकिन अंधेरा ऐसा लग रहा है और थकान ऐसी हो चुकी है कि ऐसा लग रहा है 9:30 बज चुके हैं रात के। तो गाइस फाइनली हम उस भूलभुलैया वाले उस पे आ चुके हैं, सीधा जाओगे तो धर्मशाला आ जाता है। खैर अब मुझे तो रट गया है, अपने को चढ़ना है जी फ्लाईओवर, और एक नीचे की तरफ भी रास्ता जा रहा है तो हम चढ़ गए जी ये फ्लाईओवर मनाली के लिए। मतलब तीन एक जैसे सामने जा रहा है, आदमी कंफ्यूज हो जावे। दोस्तों इतना बढ़िया लग रहा है ना अभी, मुझे नहीं पता आप एक्चुअल वाइब फील कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ठंड पहले से थोड़ी तेज हो चुकी है, हल्की सी चढ़ाई चालू हो चुकी है और ऊपर है ना चांदनी रात है, मतलब बादल इतने सुंदर दिख रहे हैं। ऑफिशियली ये गेट जो बन रखा है ना, यहाँ पर आपको एक छोटा सा टोल टैक्स देना पड़ेगा, ग्रीन टैक्स जिसको बोलते हैं हिमाचल के लिए, और आगे आपको गाड़ी जाने पहचाने से दिख रही होगी हमारे मित्र मिल गए। चलिए जी इस बार हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, फाइनली टनल्स ओपन है तो मुझे लगता है बहुत ही कम समय में हम लोग ये टनल्स क्रॉस कर लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आपका हार्दिक स्वागत करता है। अब आइए भैया, एनर्जी ऐसा लग रहा है अटल टनल ही आ गई भैया। तो ये आ गई जी सेकंड नंबर वाली सुरंग, अब छोटी छोटी है शायद ये तो 150-200 मीटर से ज्यादा की नहीं लग रही, पहली वाली बहुत लंबी थी यार। दोस्तों एक चीज का विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर स्पीड लिमिट है भाई, मुझे भी अभी जाके पता लगा है। हालांकि मैं 60 की स्पीड पर था लेकिन मेरे ख्याल से 40 की होगी, अब पता नहीं मेरा चालान कटा है या नहीं कटा है, तो आप लोग भी विशेष ध्यान रखना भाई। इधर कैमरे सेंसर लग रखे हैं तो ये नहीं कि अच्छा रोड मिल गया तो खैर इसके पूरे पायलट बन जा। कुछ भी कहो यार, दिल गार्डन गार्डन हो गया रास्ता देखकर। इस वाले रास्ते से मैं पहली बार आया हूँ, लास्ट टाइम हम आए थे आप लोगों ने देखा होगा। अरे यार ये वापस सेंसर आ गया स्पीड का, यहाँ पर बस ये सेंसर का विशेष ध्यान रखना, हर 200 मीटर पर सेंसर है भाई। फाइनली दोस्तों हम लोग अभी पहुंच चुके हैं सुंदरनगर। मेरी आवाज थोड़ी ढीली ढीली दिख रही होगी आपको यार, अब थक गया हूँ यार। मतलब नॉन स्टॉप अजमेर से सुंदरनगर खींचना बहुत हमारे लिए बड़ी बात हो गई है ये। हालांकि रास्ता बहुत अच्छा था लेकिन स्पीड लिमिट यार कुल 40-50 की तो आई थिंक कम है, वो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल बैलगाड़ी चला के जा रहा हो आप लोग, इतने सेंसर लगा रखे हर 150-200 मीटर पर। तो दोस्तों फाइनली हम मंडी पहुंच चुके हैं, 3-4 किलोमीटर यहाँ से मंडी का गुरुद्वारा है, तो कोशिश करेंगे गुरुद्वारे में अच्छा कमरा मिल जाए। हर रेट का कमरा मिलता है 300-500-1000 रुपए, देखते हैं खाली मिलेगा नहीं मिलेगा। रश बहुत ज्यादा है यार, हर जगह हर होटल फुल मिल रही है इधर तो आज। ये है जी सामने मंडी का बस स्टैंड, काफी बड़ा है दोस्तों, आपको लगेगा नहीं हिल एरिया में, मतलब इतना बड़ा बस स्टैंड, लाइन से इतनी बसें खड़ी रहती है। इसके सामने कोई फेमस कचौरी मिलती है, सुबह टाइम हुआ तो पक्का आप लोगों को खिलाऊंगा मैं। और ये सामने आ गए जी मंडी का गुरुद्वारा साहिब, अब देखते हैं हमारी किस्मत कितनी अच्छी है यहाँ पर। वैसे तो पाजी है हमारे साथ में विद सपोर्ट, बाकी देखते हैं रूम मिलता है या नहीं मिलता है यहाँ पर हमें। भाई साहब पार्किंग देख के तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर रूम मिलना है, लाइन से दोस्तों गाड़ियाँ खड़ी, मेरे हिसाब से 60-70 गाड़ियाँ तो खड़ी है। देखिए दोस्तों दर्शन कर लीजिए पवित्र गुरुद्वारा साहिब के, सुबह आपको इनके भी दर्शन कराएंगे अगर यहाँ पर रुकना होता है तो। क्या बोलते हो पाजी मिल जाएंगे गाड़ियाँ? तो बहुत खड़ी है यार, लेट हो गए ना, लेट हो गए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे रूम मिल चुका है भाई, एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब दो डबल बेड वाला एक ही सिंगल रूम लिया है हमने। कोई बात नहीं, इस बार ने काफ़ी सारी बातें वातें हो जाएगी, तो भैया ने बोला है पहले थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेते हैं और खाना हमारे पास पैक ही पड़ा, तो उसका भी नंबर लेंगे रूम में जाने के बाद। क्यों? सही बात है, इनको तो पहचान गए होंगे, इस बार परिचय नहीं कराऊंगा, आप लोग कमेंट में बताना कौन है। आज तो चिक्की दो बार मिल गया अपने को प्रसाद खाना। वेरी गुड। और इधर देखिए जी नियत खराब हो रही है, हालांकि हमने प्रसाद थोड़ा थोड़ा ही खाया था और घर का खाना वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे भाई, सुबह 4 बजे उठकर मेहनत करी है। तो यहाँ पर क्या है जी, पूरी हो गई, भिंडी की सब्जी हो गई, अचार हो गया, अचार है, लहसुन की चटनी है लेकिन वो यहाँ पर हम नहीं खाएंगे, और उसके अलावा हल्दी की सब्जी भी है ना, हाँ। वो कल देखते हैं। ऑल सेट दोस्तों, तो ऑलमोस्ट सब सो चुके हैं मुझे छोड़कर, मैं थोड़ा काम कर रहा था, तो इस वीडियो की एंडिंग यहीं पे करते हैं भाई। कल से हमारी ओवरलैंडिंग ट्रिप स्टार्ट होने वाली है, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जगह कैंपिंग दिखाएंगे, अच्छी लोकेशन फील करवाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखना, और भाई अब हालत नहीं आगे बात करने की बहुत, आज 800 किलोमीटर हमने गाड़ी दौड़ाई है और आंखें देखकर आपको लग ही रहा होगा कितनी तेज नींद आ रही है। सुबह जल्दी उठ के आपको दर्शन कराते हैं गुरुद्वारा साहिब के, और बहुत ही स्पेशल जगह कल की कैंपिंग होने वाली है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, थैंक यू।